जा सकता है क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एनिमल्स, पोल्ट्री या फिशरीज, एक ही प्लेस पे इंटीग्रेटेड कहते हैं उसको। यस सर। तो मतलब इसमें आपका कुल क्षेत्र 1 हेक्टेयर है ये एरिया। यस सर। इसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन 0.4 हेक्टेयर है। यस। सब्जी हॉर्टिकल्चर में आपका 0.4 है, उसमें आपका फॉर्डर भी ग्रोन किया जाता है और तालाब आपका और जो भी मुर्गी बतख है मशरूम सेट ये 0.05 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में ये लेमन ग्रास है। लेमन लेमन बकरी बकरियां नहीं है, मुर्गे मुर्गे बकरी नहीं है, बकरी सब कुछ अभी अंडा भी वो जो बता ना अंदर मत जाओ उधर इंटीग्रेटेड मतलब एक ही जगह हमें सब कुछ फार्मिंग करना है। इसमें आपके जैसे इधर क्रॉप हो गया ठीक है ना, इधर क्रॉप उधर चारा हो गया, हाँ इधर वेजिटेबल भी लगाते हैं, क्रॉप भी लगाएंगे उधर सब। देखिए आपका हनी भी एपी कल्चर का है, फिर उधर स्टोरेज है जो ये बना है बम्बू का, इसमें आपका मुर्गी पालन वगैरह ठीक, पॉन्ड है आपका मछली के लिए ठीक, इधर आपके एनिमल शेड है ठीक, इधर है सर यहाँ पे फिश अंदर है पॉन्ड में तालाब में, फिर इधर आपका वेजिटेबल खुद भी आ जाते हैं, एरिया में हमें हर तरह कल्टीवेशन हर तरह का हमें ग्रोन करने ब्रिंजाल सामने एक सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड कहते हैं, वही का देखिए वहाँ जैसे खजूर भी है मतलब जितना भी आपको बाजरा जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करके हम कल्टीवेशन करें ठीक है। 1 हेक्टेयर कितना बड़ा है, एक एरिया में इसमें कितना फार्मिंग हम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, तो हर तरह के प्लांटिंग ग्रोन कर सकते हैं एक ही जगह में छोटे छोटे। यस सर। तो अगर ये फार्मर करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि वह क्रॉप भी थोड़ा ग्रोन कर ले, वेजिटेबल भी कर ले, फ्रूट भी कर लेता है, एनिमल कर लेता है, तो ऐसे हर तरह से हर जगह पूरा ग्रोन करने में उसके लिए अच्छा रहता है ठीक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो देखो वो कहना जाना फिर कुर्सी ग्रुप में ठीक है, गाय देखने गए ठीक है, गाय देखने गए अच्छी गाय है, साहीवाल भी है देसी भी है, हाँ साहीवाल भी है देसी भी है क्या साहीवाल काऊ 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 एनिमल सेड है आपका, व्हाट्सएप कर देना मेरे, फिर उधर जाएंगे आपका जो पास्चर लैंड है एपिकल्चर भी है सर, एपिकल्चर है, फिर क्रॉप है, फिर फ्रूट है मधुमक्खी, फिर आपका सागौन भी प्लांटिंग किए हैं ब्रिंजल, फिर आपके इधर नेट सेड मतलब ये क्या नर्सरी वीड है, वीड मशरूम भी तो देख रहे हैं जो ग्रीन नेट हाउस है, वीड 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 गेहूं ठीक है, पालते होंगे अब कभी देखेंगे देख क्या जाएगा, रात को आएंगे लेके जाएंगे चूर मछली है, मुर्गी का अंडा भी मिलता है, बतख भी रहते हैं, नहीं देखो मत देखने का अंडा, देखने के लिए मुझे परमिशन चाहिए ना, हम यहाँ आ गए यही तुम्हें दिखा दिए वही बहुत है भाई, पॉन्ड है उसमें मछली होगा ही, अब मछली कौन सा है वह देखने जाओगे तो दिक्कत ठीक है, तो यहाँ से पूरा एरिया तुम देख लो, ये हमारा यही एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है आपका, उखाड़ निकल लूं ए इधर आओ, सब गाड़ी की तैयारी हो रही है, फाइल बनाएंगे ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, चलो वो नहीं।